फूडीज़, वेलकम टू कुकीज किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हेल्दी एंड टेस्टी ओट्स वेजिटेबल चिल्ला। चलिए बनाते हैं टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी ओट्स वेजिटेबल चिल्ला। ओट्स चिल्ला बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कप सूजी ली है, इसे मैंने डाल दिया एक बाउल में। इसके साथ ही हम डालेंगे एक कप ओट्स। यहाँ मैंने क्विकर ओट्स लिए हैं जिसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। 3/4 कप मैंने लिया है चने का आटा। सारे स्पाइसेस डाल देंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक, 1 कप दही डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बैटर बनाएंगे। इसके बाद हम इसमें सारे वेजिटेबल्स ऐड करेंगे चॉप करके। तो ज़्यादा पतला पहले हम बैटर नहीं रखेंगे क्योंकि वेजिटेबल्स का भी मॉइस्चर होता है। हल्का सा सेमी थिक बैटर बनाएंगे। देखिए सेमी थिक बैटर रेडी हो चुका है, इसे रखते हैं साइड पर। या मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले लिए हैं, कैप्सिकम, कैरेट, टमाटो, ऑनियंस। इन सारी चीज़ों को हम कटर की मदद से महीन काट लेंगे। इस तरह से हम कट करके डालेंगे तो बच्चों को भी पता नहीं चलेगा कि हमने ढेर सारे वेजिटेबल्स डाले हैं। वेजिटेबल्स चॉप हो चुके हैं, इसी तरह सारे वेजिटेबल्स हम चॉप करके बैटर में ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ 2 ग्रीन चिलीज ली है, थोड़े से लहसुन है और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा। साथ में ही हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। बाकी के वेजिटेबल्स भी हम ऐड कर देते हैं। ढेर सारे वेजिटेबल्स हमने डाल लिए हैं, इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से बैटर को। हमारा बैटर रेडी है, कंसिस्टेंसी देख पा रहे हैं आप। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और साथ में डाल देंगे हरा धनिया, इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा ओट्स चिल्ला के लिए बिल्कुल रेडी है बैटर। अब हम बनाएंगे चिल्ला। इसे हम नॉन स्टिक पे भी बना सकते हैं या फिर आप तवे पे भी इसे बना सकते हैं। नॉन स्टिक पैन को मैंने गर्म कर लिया है, अब बना लेते हैं ओट्स वेजिटेबल चिल्ला। थोड़ा सा बैटर डालकर स्प्रेड कर लेंगे। थोड़ी सी छोटी या बड़ी साइज में भी इसे बना सकते हैं। पैन को एक बार तेल से अच्छे से ग्रीस कर लें, इसे सिकने देते हैं। दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन होने तक सिकना है। इसे हम बिना तेल के ही बनाएंगे, आप चाहे तो थोड़ा सा तेल स्प्रिंकल कर सकते हैं। देखिए ऊपर से ड्राई हो चुका है, इसका मतलब ये नीचे से अच्छे से कुक हो चुका है। इसे हम धीरे से पलटा लेंगे। दूसरी तरफ भी अच्छे से सिकने देते हैं। देखिए दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो चुका है ये। ले लेते हैं इसे प्लेट में। लीजिए रेडी है हेल्दी ओट्स वेजिटेबल चिल्ला हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी। आप इस तरह से बनाइए अपने पूरे फैमिली के लिए और कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं ऐसे ही हेल्दी रेसिपी लेकर आऊँगी मैं आपके लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।